श्रीमान महागणाधिपतये नमो नमः। ॐ वाणी हिरण्यगर्भाय नमो नमः। ॐ श्रीं जगन्नाथादि चतुर्धा मूर्तये नमो नमः। ॐ मातृ पितृ चरण कमलेभ्यो नमो नमः। जगन्नाथ 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 रक्षमां जगन्नाथ 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 रक्षमां जगन्नाथ 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 पाहि मां जगन्नाथ 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 पाहि मां जगन्नाथ रक्षमां जगन्नाथ पाहि मां जगन्नाथ रक्षमां जगन्नाथ पाहि मां जगन्नाथ रक्ष मां जगन्नाथ पाहि मां जगन्नाथ रक्ष मां जगन्नाथ पाहि मां जगन्नाथ 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 रक्ष मां जगन्नाथ 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 रक्ष मां जगन्नाथ रक्ष मां जगन्नाथ पाहि मां जगन्नाथ रक्ष मां जगन्नाथ पाहि मां जय जय जगन्नाथ 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 जगन्नाथ रक्ष मां जगन्नाथ पाहि मां 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 निराचल निवास य नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। जय जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ कालिया शांत महाप्रभु श्री श्री जगन्नाथंकर भय चरणारविंद जुगल रे अनंत कोटि दंडवत प्रणाम मणिमा अनंत कोटि दंडवत प्रणाम जनंकु विष्णु प्राय मणे नमई तहा कचरणे तुंडे बोलई हरि हरि भोजगन्नाथ दईतारी प्रभु जगन्नाथंकर अभय चरणारविंदरे कोटि दंडवत प्रणाम सहित जनता जनार्दन जगन्नाथ प्रेमी माँ भाई भौणी समस्तंक चरणारविंदरे अकिंचन कोटि दंडवत जुहार। बोले जगन्नाथ भगवान की जय। प्रियात्मन सकल शास्त्र विशारद समस्त तीर्थ द्रष्टा महान ऋषि जैमिनी प्रातः समय रे समस्त शिष्य एवं समस्त आचार्य पंडित माननकु उपवेशन कराई समस्त पावन पुरुषोत्तम क्षेत्र महान जगन्नाथंकर कथा महात्म्य को शिष्य माने प्रचारुछन्ति जैमिनी तहार प्रसंग को तहा सुंदर भाव रे सरल भाव रे समस्तिंकु बुझौछन्ति। जैमिनी ऋषिंकु पचारुछन्ति शिष्य माने हे आचार्य ये जो पुरुषोत्तम क्षेत्र विषय रे आमको आपण अनेक कथा कहउछत जेते क्षेत्र रहिचंती सर्व समस्तंग ठारु सर्वोत्तम क्षेत्र बिली आपण प्रतिपादन करउछत एवं ए संसार रा समस्त पाप क्षय करुथिवार ये महान क्षेत्र जो क्षेत्र रा स्वाभाविक गुण हला पाप क्षय करिवा ए क्षेत्र किपरी आहार किसी दृष्टांत रही हे ऋषि प्रवर स्कंद पुराण रे जैमिनी ऋषि कहुचंति शिष्य माननकु हे शिष्य गण माने हे आचार्य पंडित विद्वान गण माने जो कथा आपण श्रवण करुछंति ताहा अत्यंत दुर्लभ कथा अटे
ए कथा श्रवण कले पुरुषोत्तम क्षेत्र को के जाऊ बा न जाऊ जो जहां से पुरुषोत्तम नामक नाम को यदि के मुखारविंद स्मरण करे उच्चारण करे चिंतन करे से मध्य सर्व पाप तार समस्त पाप क्षय होता। मनुष्य आमे तेल लुण संसार करुथिबार जीवन धारण करुथिबा मनुष्य आमे आमे किपर ए संसार रो मुख्य प्राप्त हवा समस्त पाप राशि किपर धौत हव कारण मनुष्य पाखरे दुईटी जिनस था गोटे पाप गोटे पुण्य परोपकाराय धर्माय पापाय परपीडन पाप एवं पुण्य दुईटी गोटे संसार रूपक वृक्षर दुईटी फल गोटे पाप फल गोटे पुण्य फल ए पाप पुण्य फल आमक किपर निजर कर्म अनुसार आम जेपरी कर्म करवा आम उत्तम कर्म करवा आम उत्तम फल प्राप्त हवा आम खराब कर्म करवा आम खराब फल प्राप्त हवा आम मनुष्य को कष्ट दवा जीव को कष्ट दवा जदि जीव प्रति आमर उदार हृदय तार सहित आम दया परिवेषण न करि पारिबा प्रत्येक जीव प्रति केवल जे मनुष्य एक संसार जीव ता नुहे 84 लाख जो निरुत्पत्ति होइथिबा जीव एवं ए समस्त जीव समस्त प्राणी मानंकर शरीर को आश्रय करी गोविंद विराजमान करिछंती प्राणी नाम देहमाश्रितः कहले हे देख मु कोठी भगवान कोठी वास करिछंती ना प्राणी नाम देहमाश्रितः किपरि भावर अहम मु निजे भगवान कहउछंती अहम वैश्वानरं भृत्वाम मु निजे स्वयं वैश्वानरं भृत्वाम प्राणी नाम देहमाश्रितः वैश्वानरं माने अग्नि अग्निंकर नाम होउछंती वैश्वानर से जेतबले विविध प्रकार जेतबले जो कर्म आद्य नाम वैश्वानर नामक अग्नि अहम वैश्वानरं भृत्वाम प्राणी नाम देहमाश्रित ए कथा को आपण माने बुझिबा दरकार सुनिबा दरकार एवं आकु हृदयगम करिवार अछि जीवनर सार्थ जीवन को जे जो मनुष्य देव दुर्लभ जीवन आमे प्राप्त होइचे ए जीवन को मध्य सार्थक करिवार अछि ए कथा प्रसंग श्रवण कर भगवान निजे कहउछन्ति अहम वैश्वानरं भृत्वाम प्राणी नाम देहमाश्रित मु समस्त प्राणी मानंकर देह को आश्रय शरीर रे आश्रय करी रहिछि वैश्वानर रूपक नामक अग्नि रूप रे से अग्नि की आपण देखि परिबे नै विविध प्रकार अग्नि रहिछन्ति विभिन्न अग्नि जेतबले आमे शरीर को आमे दाहा करूचे चिताग्नि जेतबले आमे सूचिका गृह रे आमर पिलाटी की सेका आउची सूचिनाम अग्नि तो विविध प्रकार अग्नि को आम आवाहन करिथाउ मूल अग्नि जो वैश्वान रूप जो अग्नि से मनुष्य प्रत्येक प्राणी भितरे विराजमान करिछंती स्वयं भगवान परमेश्वर अहम वैश्वानरं भृत्वाम प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणपानो समाजुक्तः पचामन्यौ चतुर्विधौ ए वैश्वानर रूप अग्नि कौन करे से कौठी अछंती प्रभु आमे चिंता करबा अग्नि आम भितरे कौठी अछंती कौठ जळुछंती भोक हुए आम अति सहज भावरे आकु आपण श्रवण करत ए दुनिया रे जेते प्राणी सृष्टि होइछंती समस्तंकर भोक अछि खाद्य अन्वेषण तले भोक हव से खाद्य अन्वेषण करिवो से जेते अणु परमाणु आदि जेते छोट बृहत अणु बृहत कुश स्थूलम जेते छोट प्राणी हो मनुष्य हो प्रत्येक जीव को भोक अछि से भोकर अग्नि तले प्रज्वलित हव से कहब खाइवा को दे बो मत खाइवा को दे माँ मत खाइवा को दे जत बड़े खाइवा न मिल वैश्वानर रूपक अग्नि जो प्रज्वलित हे खाइबार आवश्यकता दवाक पड़ो भोजन दवाक पड़ो
ସେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ତାର ଯେତେ ଦେଖିଛନ୍ତି ନା ନିଜର ନଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ବେଳେ ନିଜର ଶରୀରକୁ ବୈଶ୍ୱାନ ରୂପକ ନାମକ ଅଗ୍ନି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହୁଅନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶମିତ କରିବା ପାଇଁ ନିଜ ମାଂସ ରକ୍ତ ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ନିଜକୁ ଖାଇଦେଇଛି। ସେ କିଛି ବିଚାର କରେ ନା, ବୋଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଭଗବାନ କି। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଅନ୍ତର ଭିତରେ ଈଶ୍ୱର ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେବେ ସେ ପ୍ରଖରତା ତାଙ୍କର ଜଳିବ ଯେମିତି ଅଗ୍ନି ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ବନ୍ଦେ ଜାତ ବେତମ ହୁତାସନମ। ସେତେବେଳେ ଆମେ ସ୍ୱାହା କହି ଆମେ ଆହୁତି ପ୍ରଦାନ କରିଥାଉ, ସେହିପରି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଅଗ୍ନି ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେବେ ପ୍ରାଣାୟ ସ୍ୱାହା ଅପାନାୟ ସ୍ୱାହା ବ୍ୟାନାୟ ସ୍ୱାହା ଉଦାନାୟ ସ୍ୱାହା ସମାନାୟ ସ୍ୱାହା ପଞ୍ଚ ଆମେ ପଞ୍ଚଗ୍ରାସ ପ୍ରାଣକୁ ସେଇ ବୈଶ୍ୱାନରକୁ ପଞ୍ଚ ଆହୁତି ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଦାନ କରୁ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯେତେବେଳେ ଭୋଜନ କରିବ ସେ ପଞ୍ଚଗ୍ରାସ କରିଥାଏ ପଞ୍ଚ ପ୍ରାଣକୁ, ପ୍ରାଣ ଅପାନ ବ୍ୟାନ ଉଦାନ ସମାନ ଏ ପଞ୍ଚ ଆହୁତି ସେ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ପଞ୍ଚ ଆହୁତି ଯେତେବେଳେ ସେ ଭୋଜନ କରିଦିଅନ୍ତି ଅଗ୍ନି ପ୍ରଶମିତ ହୋଇ ଶାନ୍ତ ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତି। ପ୍ରାଣପାନ ସମାଯୁକ୍ତମ ପଚାମନ୍ୟମ ଚତୁର୍ବିଧମ, ଆମେ ଯାହା ଖାଇଲେ ତାହାକୁ ଭଗବାନ ନିଜେ ପାଚକ ତାକୁ ରସ କରି ଶରୀରକୁ ସେ ସବୁ ଯୋଗେଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ମନୁଷ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦେହରେ ଭଗବାନ ଈଶ୍ୱର ବାସ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରାଣୀନାମ ଦେହମାଶ୍ରିତ, ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ଦେହକୁ ଆଶ୍ରା କରି ରହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି କର୍ମ ବି କରିଥାଉ ସେ କର୍ମ ଆମେ ଉତ୍ତମ କର୍ମ କରିବା ତାହା ଉତ୍ତମ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ, ଆମେ ଖରାପ କର୍ମ କରିବା ଆମେ ଖରାପ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଆମେ କହିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକିଲି ମୁଣିଷ ଦୀପ ବସେଇଲି ଦୀପ ଜାଳିଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି ଭଗବାନ ମୋ କଥା କିଛି ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ, କାରଣ ଉତ୍ତମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସତ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ଯିଏ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥାଏ ଜଗତ କଲ୍ୟାଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଈଶ୍ୱର ତାକୁ ସହାୟକ ହୁଅନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ପରର ଉପକାର କରିବା ହେଉଛି ପରମ ଧର୍ମ। କାହାକୁ ପାଣି ଗିଲାସ ଟିକିଏ ହଉ, କାହାକୁ ପିଠିକି ଟିକିଏ ଆଉଁସି ଦେବା ହଉ, କାହାକୁ ବଚନେ ଏକ ଦରିଦ୍ରତା, ବଚନରେ ମଧ୍ୟ ଦରିଦ୍ରତା ହେବନି, ସୁନ୍ଦର ପଦରେ ପଦେ କଥା କହି ତା ମନ ତାର ମନକୁ ହାଲୁକା କରିଦେବା। ତ ବିବିଧ ପ୍ରକାରର ବିଚାରକୁ ନେଇ ଆମେ କାହା ବି ମନରେ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ କାହିଁ କୌଣସି ଜୀବକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ କଷ୍ଟ ଦେବା, ଅର୍ଥାତ୍ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମେ କଷ୍ଟ ଦେଲୁ, ଆମେ ଚାରି ଜାବଡ଼ା ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ଦେଇ ତାକୁ କଷ୍ଟ ବଚନ କହି ତା ଅନ୍ତରକୁ କଷ୍ଟ ଦେଇ କେତେ ପ୍ରକାର ଲୋକ ଆନନ୍ଦ ପାଆନ୍ତି। କିଏ କାହାକୁ ମୁଥାଟିଏ ମାରି ତା ଦାନ୍ତ ଛଡ଼େଇ ଦେଲେ ସିଏ କହିବ ମୁଁ ଆଜ୍ଞାରେ ମୁଁ ସେ ଛକ ଉପରେ ଆଜି ଯାଇ ଯୋଡ଼େ ପିଲାଙ୍କୁ ମାରିକି ଯାହାର ଯୋଡ଼େ ଦାନ୍ତ ଘଷେଇ ଦେଇଛି, ସେ ସେଥିରୁ ଆନନ୍ଦ ପାଉଛି। କିଏ ଯୋଡ଼େ ରସଗୋଲା ଖାଇ ଆନନ୍ଦ ପାଉଛି, କିଏ ହରିକଥା ପରିବେଷଣ କରି ଆନନ୍ଦ ପାଉଛି। ଆନନ୍ଦ ହିଁ ଜୀବନର ଚରମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଟେ, ଆନନ୍ଦ ଛଡ଼ା ଦୁଃଖ କେହି ଖୋଜନ୍ତି ନାହିଁ। କିଏ ଦୁଃଖ ପାଏ, ଆପଣ କିଏ ଦୁଃଖ ପାଆନ୍ତି ମୋତେ ଖୋଜନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଦୁଃଖ ଦିଅ, କେହି କହନ୍ତି ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ସୁଖ ହିଁ ଚାହାନ୍ତି। କାରଣ ସୁଖରୂପକ ଧାତୁରୁ ହିଁ ଏ ଜୀବ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଭଗବାନ ହିଁ କେବଳ ରସେଇ ବୈଷ, ବେଦ କହିଲେ ଭଗବାନ କ'ଣ ନା କେବଳ ଆନନ୍ଦ ହିଁ ଆନନ୍ଦ, ରସ ହିଁ ରସ, ରସ ରସେଇ ବୈଷ, ଏବଂ ସେ ଆନନ୍ଦ ରସକୁ ପାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଜୀବ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ପିବତମ ଭାଗବତମ ରସମାଳୟ, ସେ ରସକୁ ପାନ କରି ଯେଉଁ ଭାଗବତର ଯେଉଁ ରସ ସେ ରସକୁ ପାନ କଲେ ଜୀବ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଜୀବର ଚରମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କରିବା। ଆନନ୍ଦ କିପରି ମିଳିବ, ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ଦୁଃଖ, ଦୁଃଖ ଏବଂ ସୁଖ ଯୋଡ଼ିଆ ଆମ ପାଖରେ ରହିଛନ୍ତି। ଏ ଦୁଃଖ ନିଜର କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଦୁଃଖ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଉ, ନିଜର କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଉ, କେହି କାହାକୁ ଦୁଃଖ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ନିଜର କର୍ମ, ନିଜର ବିଚାର, ନିଜର ଆଚରଣ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମେ ଦୁଃଖୀ ସୁଖୀ ହୋଇଥାଉ। ଭଗବାନ ଆମକୁ କ'ଣ ନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଭାଗବତର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟରେ କହିଲେ କଲେ କଳିକାରରେ ମନୁଷ୍ୟ ଖାଲି ଅର୍ଥ ପିପାସୁ ହେଇ ଅର୍ଥସ୍ୟ ଦାସ ହେଇ ସେ ଦୁଃଖପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବ, ବାସ୍ତବିକ ଧନକୁ
से खोजुनि बा चिन्हुनि बा जानुनि। अर्थ संचन्ति जेते नर केवल दुख ताहांकर गोविंद 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 पदु गळुचि मकरंद। अर्थ संचन्ति जेते नर केवल दुख ताहांकर अर्थ माने जहा कि अनर्थर कारण अटे आमे जहा कु धन बिली संचुचे से गुडाक धन नुहे धन पदवाच्य नुहे धनर संज्ञा सी नुहे। ऋषि मान पचारिछन्ति कहले धन कौन धन कौन आमे कहुचे ये होचन्ति विश्वर सर्वश्रेष्ठ धनी ये होचन्ति विश्वर दुई नंबर धनी तीन नंबर धनी भारत रे ये बड़ धनी उड़ीसा रे ये बड़ धनी पुरीर ये बड़ धनी भुवनेश्वर ये बड़ धनी। अरे कौन धन रखिचन जे समस्त धनर जे अधिकारी धन कौन धनमग्नि धनोवायु धनमग्नि धनोवायु धनो सूर्यो धनो वसु धनमिंद्रो बृहस्पति वरुण धनमस्तुन। आपण माने टिके वास्तविकता हुंतु धनमग्नि धन हूँ कौन ना अग्नि हूँ धन कहा पाखरे अच्छी अग्नि अग्निर अधिकारी किए अग्निर अधिकारी किए विश्वरे अग्नि तांकर द्वारा परिचालित हुंती अग्निर प्रति कहते सूर्य सूर्य नारायण मो द्वारा मु विश्वर बड़ लोक मु ओडिशार बड़ लोक मु भारतर बड़ लोक मु धन मो हाथ रे मु रखिछि मोर कथा इंगित रे सूर्य उदय हेबे अष्टमान हेबे अग्नि मोरी कंट्रोल रहिबो अग्निर मालिक मु धनमग्नि कह पाखरे अछि धन ए प्रमंत प्रकार धन धनो वायु वायु हूँ धन प्राणपान समाजुक्त प्राणवायु अपान वायु महाप्रभु कहिबे कहले अरे हे तते ते सबु धन मागणा देइछि मु आ तू जो धन पछरे गोड़ौछ सोड़ा कहुछ दुखर कारण बहु धन आमे भगवान आमको एपरी देइछन्ति धन जो प्राणपान समाजुक्त पचामन्यं चतुर्विधः प्राणवायु अपान वायु आमे निश्वास नौचे छाड़ुचे बिली बंचीचे निश्वास ताकू नाही विश्वास से जेतावळे रही जीव ए भितरे थिबा परमात्मा दुख 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 हौचंती से तले चली जीवे ए निश्वास रही जीव प्रश्वास रही जीव जीव मुर्दा रही आमे केते पैसा दे किणिकरी भगवान को पैसा दे किरी टंका दे किरी आमे वायु किणुचे जीवन तले संकटापूर्ण हो जाऊ आमे निश्वास प्रश्वास नहीं पारुनु जीवन डहल विकल हो जाऊ आमको नहीं आईसीयू भितर भर्ती करण करते ना वायु दौरान निश्वास प्रश्वास नवाकू मेसिनी फेसिनी खंजिक हरिभल करते समय भगवान कहवे पिले मु तुमको भाई दया कली एथर जे थे निश्वास नब प्राणवायु अपान वायु थे निश्वास नब छाड़ब पांच पैसा लेखे दब मागणा किसी तुमको देवी मु किए क्या मागणा दौर आजिकल कौन आम बंची पार तो बोले जगन्नाथ भगवान की जय विश्वरे धनी जे कि वायुर अधिकारी धनमग्नि धनो वायु धनो सूर्य धनो वसु सूर्य कहा नियंत्रण रे ये वसुधारा पृथ्वी कहा नियंत्रण रे ये अग्नि कहार नियंत्रण रे ये सब धनर अधिकारी किए आमे जो धनर अधिकारी से धन गुड़िक ए धन जदि न लागिव ए धनर व्यवहार न करिव कार थिवो वायु न थिवो चक्कारे गाड़ी गड़िबनि अग्नि न थिवो गाड़ी इंजिन स्टार्ट हबनि तेणु प्रत्येक धनर धनर अधिकारी होचंती भगवान से होचंती एक मेका सीनो स्थितो जगत से होचंती समस्त धनर अधिकारी आमे जो धन पछरे गोड़ौछे भागवत प्रथम अध्याय कहले कहले अरे ए मनुष्य गुड़ाक एकली जुगे जेते प्राणी
अल्पायु आलस्य से पुणी आबरे रोगरे पीड़ित काहू जानिब शास्त्र तत्व नानादि रोगरे आमे पीड़ित हो बसुचे। ये कली काल रे नानादि रोगरे मनुष्य पीड़ित होउचंती हेबे कारण आमर कर्म आमर खाद्य आमर विचारधारा आमर चालीचरणी आमुके ही रोग करदेव। आमे ब्रह्म मुहूर्त रु सज्ञा त्याग करिवानी दिन सतटा आठटा बेलू उठवा आमर ब्रह्म वीर्य क्षय हब आयु हानि हब बुद्धि नष्ट हब या स्वाभाविक स्वतपुत्त कथा ये स्वाभाविक कथा आई परिवर्तन करि पारिबे ना। तेणु ए संसार को नानादि रोग युक्त द्वारा आम अभक्ष भक्ष करिवा मनुष्य गोटे मांसाशी प्राणी ना गोटे शाकाहारी प्राणी। जदि मनुष्य गोटे मांसाशी प्राणी है थांता तेबे तार दंतफक्ति को भगवान सेपरी सृष्टि करि थांते हाथी बाघ परिग परि पशु मानंग परि सिंह परि दंतफक्ति आमर करि थांते। तेणु भगवान आमको जो सृष्टि कर आमर आहार आमर खाद्य आमर विचार आमर चलनी जदि आम ठीक भाव न कर आचार ओ प्रभव धर्म धर्मस्य ओ प्रभुरच्युत आम जदि आचरण न रहिला नीति न रहिला श्रृंखला न रहिला जीवन स्वतपुत्त दुख हो स्वतपुत्त दुख हो। भगवान को स्मरण करवा भगवान पूजा करवा आमर मन इच्छा आम भगवान को पूजा कले चलो ना। समस्त उपासनार गोटे गोटे समय अच्छे समय अर्थ काल ईश्वर उपासना करवा ब्रह्म मुहूर्त ईश्वर उपासना होता है पितृ उपासना करवा मध्यान्ह पितृ उपासना होता है। आम पितृ उपासना करवा बिली सकाल पांचटा बेलू बड़ बड़िया डाक पकईवा पितृलोक प्राप्त हेनी पुत्र ठार तार से पवित्र पिंड को केवे प्राप्त हे जो समय रे जहा कले ताहा ही ग्रहणीय योग्य होता है समय ही बलवान अटे। तेणु आम समस्त कर्म समस्त निजर कर्म द्वारा आम पाप पुण्य अर्जन करेणु एपरी एक पाप पुण्य को अर्जन करवा आम एपरी कर्म करार अच्छी जो कर्म द्वारा मनुष्य पुण्यवंत ही था एवं शुचिवंत ही था ईश्वराभिमुखी होता है। आम कौले ना जदि आम ईश्वर आम पाखे ढाई किंतु आम देखी पारुने ईश्वर को अनुभव करी पारुने कारण दर्पण आगे जदि आम दर्पण आगे ढाईचे किंतु आम प्रतिबिंब को आम देखी पारुने कारण दर्पण आगे धूली बसी जा धूली बसीगले आम प्रतिबिंब आम देखी पारुने धूली की परिष्कार करवा प्रतिबिंब तत्णा देखा भगवान को सहीपरी आमे अंतरस्करण जेते निर्मल करिबा जेते परिष्कार करिबा जेते जीवन प्रति उदार हृदय हवा परर उपकार करिबा आमर जीवन सेति कि आनंदमय हव प्रेममय हव सुखमय हव नीलाद्रिनाथंकर कृपा आम उपरे बर्षि पड़िबो। तेणु जैमिनी कहउचन्ति हे ऋषिगण माने निजर उत्तम कर्म द्वारा ही मनुष्य दुख प्राप्त होता सुख प्राप्त होता एवं निजर कर्म द्वारा पापरु मध्य मुख्य प्राप्त होता किपरी पापरु मुख्य प्राप्त हवा आमे तो दिनहीन अकिंचन अधम लोक आमे यदि पाप करिछु हे जैमिन ऋषि ए पापरु आमे किपरी मुख्य हवा ए पुरुषोत्तम क्षेत्र को आसिले कौन जीव पाप मुख्य होता हाँ होता है प्रभुंकर अपार कृपारु देखिबा किपरी पाप मुख्य हेचंती हेवे एवं आमे किपरी हवा सेतेपें चेष्टा करिबा। बोले जगन्नाथ भगवान की जय। प्रार्थना आमो आनंदर उत्सव।